करिश्मा कपूर हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। वह प्रसिद्ध कपूर खानदान से हैं और करीना कपूर की बड़ी बहन हैं। इनका जन्म 25 जून 1974 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, राजा बाबू, हम साथ साथ हैं, जानवर, कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन जैसी सुपर फिल्मों में काम करके इंडस्ट्री को एक अलग ही पहचान दी थी। जानी मानी अदाकारा करिश्मा कपूर के हवाले से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही। करिश्मा कपूर इस वक्त एक ऐसी बीमारी की लपेट में आ गई, इनकी जान भी ले सकती है। आखिरकार करिश्मा कपूर को क्या हुआ है, सारी डिटेल में जाने पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको कोई भी बॉलीवुड से जुड़ी खबरें मिस ना हो सके। करिश्मा कपूर बॉलीवुड की अदाकारा में से एक मानी जाती है। दुनिया भर के लोग इनको जानते हैं और इन्हें अपना नाम बनाने के लिए कपूर फैमिली का सहारा नहीं लिया है, बल्कि इन्होंने खुद की अपने पैरों से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। बड़े बड़े लोगों के तरफ से और बड़े वेबसाइट पे बड़े बड़े चैनल की खबरें आ रही हैं कि करिश्मा कपूर कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं। इस वक्त करिश्मा कपूर का कोविड-19 शिकार हो चुकी है और वो आइसोलेट भी हैं। डॉक्टरों का कहना था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं करिश्मा कपूर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो करोड़ों की तादाद में लोगों ने करिश्मा कपूर के नाम के ट्रेंड के बाहर लगा दिए और लोगों ने करिश्मा कपूर की हालत के काफी ज्यादा प्रार्थना भी की है। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं करिश्मा कपूर के लिए, कमेंट सेक्शन में गेट विल सून जरूर लिखें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। इस बात पे कितनी सच्चाई इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।